हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितु गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल संगनी बाय रितु। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ आज की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ। मेरे सलून में बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं मैम हमारा एक्सिस हेयर फॉल हो रहा है और जो फॉल हो जाता है उसके बाद रीग्रोथ हेयर में नहीं हो रही है। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आप अपने हेयर्स में ऐसा क्या लगाएं जो आपके बालों को 1 से 1.5 महीने के अंदर वो आपके बालों को रिकवर कर देगा। और मैं ये आपसे बोल रही हूँ कि आप ये बिल्कुल विश्वास के साथ इस सीरम को लगा सकते हो जो मैं ये हेयर सीरम बना रही हूँ। ऑनियन के साथ सीरम बना रही हूँ। आपको बता सकती हूँ कि ऑनियन, वैसे भी ऑनियन में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑनियन और रीग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये 2 रेड ऑनियन लिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप एक सीरम बनाएं या फिर कोई भी हेयर का काम करते हैं, आपने हेयर पे मतलब कोई भी प्याज के साथ काम करते हैं तो प्याज आपका रेड प्याज होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 प्याज ले लिए और 2 प्याज को मैंने पीस के उसको सीरम बना दिया। सॉरी, 2 प्याज को मैंने पीस लिया और पीसने के बाद मैंने इसको छान लिया। और छानने से आप देखिए कि ये हमारा एक जूस निकल आया, जो प्याज का जो रस था वो निकल आया। तो आप लोग को सिंपली है प्याज को काटना है। काटने के बाद उसको ज़रूर वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप उसमें मिक्सी के ग्राइंडर में उसको आप पीस सकते हो। पीसने के बाद ये इतना पतला सीरम निकल आएगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग करिए, जैसे कि मेरे बालों में मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 प्याज काफ़ी है। आपको लग रहा है आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 प्याज करिए। आपको लग रहा है आपके बाल काफ़ी बड़े हैं तो आप प्याज की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लगभग ये 4 से 5 स्पून ये जूस निकल आया इसका दी। अब इसमें मुझे ये करना है कि मैंने ये एलोवेरा को आप इसमें लगभग 2 स्पून एलोवेरा इस जूस में मिला लीजिए। आप चाहो तो प्योर जो होता है रियल एलोवेरा होता है वो भी आप उसमें डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। बट मैं ये एक पतंजलि का एलोवेरा जेल है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं लगभग 1.5 से 2 स्पून के करीब इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद बस आपको ध्यान रखना है कि जो एलोवेरा के जो लम्स होते हैं, जो एलोवेरा के जो ये एलोवेरा जो होता है उसको अच्छे से मिक्स होना है। आपके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद आपने अपने हेयर में अप्लाई करना है। हेयर अप्लाई भले ही आपका हेयर ऑयल फ्री होना चाहिए आपका हेयर। मैं नहीं बोलूँगी कि आप गंदे वालों में कर लीजिए, पर जब आपको अगर हेयर में ये काम करना है, आपको हेयर में जब सीरम लगाना है तो आप अपने हेयर को कोशिश करिए कि वॉश कर लीजिए, गंदा ना होना चाहिए। आपका जो रियल जो हेयर का ऑयल होता है ना वो बालों में नहीं होना चाहिए, ऑयल फ्री हेयर होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने रूट्स को रूट्स बाय रूट्स सेक्शन कर करके आपने कॉटन के थ्रू आपने इसको पूरे बालों में अप्लाई कर लिया। जहाँ पे भी आपके बालों की रीग्रोथ नहीं है, जो बाल आपके बाल जैसे जहाँ से लग रहा है आपको कि बाल वहाँ पे गैप आ रहा है या बाल वहाँ से झड़ चुका है और वहाँ से हेयर हमारा निकल नहीं रहा है, आप उसमें बहुत अच्छे से कॉटन के थ्रू डैप अच्छे से डैप करिए। ऐसे से डैप करके उसको ऐसे करिए जिससे कि आपके बालों का जो रीग्रोथ अच्छे से हो सके। और आप यकीन मानिए, अगर आप सच में ईमानदारी से इसको हर हफ्ते में 2 से 3 बार लगा रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपको 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा और आपके जो हेयर हैं वो आपको खुद फील होने लगेंगे कि मेरे जहाँ से हेयर नहीं थे तो वहाँ से हेयर आने लगे और मेरा हेयर शाइनिंग हो गया, हेयर में अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। अगर आपके बालों में डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम भी है तो वो भी आपके बालों में आपको कम दिखाई देगी। और दूसरी बात, आपके को खुद पता चलेगा कि आपका हेयर है वो कुछ लंबा दिख रहा है, आपको ऐसा लगेगा। तो आप 15 से 20 दिन में ही इसका रिजल्ट दे सकते हो। मैं चाहूँगी कि आप इस सीरम को यूज़ करिए और इस सीरम को बना के ज़रूर अपने बालों पे लगाइए और फिर इसके रिजल्ट बताइए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी कि आपने अगर ये सीरम लगाया है या आपने ये प्रोसेस अपने हेयर में किया है तो आपको रिजल्ट कैसा लगा। सो आप इसे यूज़ करिए और अपने जो हेयर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए। ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल्स को और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं अब आपके सामने ऐसे ही डे बाई डे आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।